अभी गौरी साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई कि दीपक भाई अपनी कुछ समस्याओं को पीछे छोड़ के आए हैं। एक समस्या को तो हम रोज फेसबुक पे देखते हैं, भाभी जी का मैं जिक्र नहीं कर रहा, आप ताड़ियां बजा सकते हैं। सर आप टेंशन लेने वाले तो लोग लग रहे हो मुझे, बिजनेस की भी होती है। देखो टेंशन लेने से कई लोगों के दादा मैं कह रहा हूँ टेंशन बिजनेस से आती है। टेंशन लेने से आप ध्यान से देखो इन सबको, कईयों के ललाट बड़े होके पलाट हो गए हैं, क्या बढ़िया शोध है, और दो चारों के तो जेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं। यही हालात रहे तो पाड़ों की चार दीवारी रह जाएगी। और जब आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जना मेन गेट लगाया हो। अच्छा गौरी साहब एक चीज और देखना, कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब छड़ेगा अटका के कब जोर कर रहा, तो एक बार मुकर हो जाओ जोरदार ताली बजा दो। सर आप तो ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे महाराजा अकबर हो, और मुझे अनारकली समझ रखे जो दर काम है। लेकिन एक बात है, खाना बढ़िया था, गरम गरम समोसा ठंडाई। गौरी साहब, हाँ भैया, एक बात ध्यान से देखो, नाम इनका गौरी है पर ये कहाँ से गौरी है मेरे समझ में नहीं। मैं भी मस्त नाम है लेकिन मस्ती का कोई काम नहीं है, सारे दिन टेंशन, क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे। ठंडाई फिर आ गई, तू बेटे ये लास्ट ठंडाई है, अब इधर मत आ जा, नहीं पकोड़े कुछ नहीं, क्यों मंगा दो बीच में आके डिस्टर्ब करो, रहने दे वापस ले जा भाग दे, अरे पकड़ दो मुझे, अरे कुछ नहीं है, मैं हूँ बीच में, पुलिस तो मैं हूँ, ये तो रिटायर हो गए, नगर निगम का काम अब खत्म। चलो भाई तो अपन टेंशन नहीं ले सर, लेकिन कई चीजों का अपने को देख के पता चल जाता है। मैम जब हमारी मैसेज मुझे प्यार से कहती है ना, अजी खाना खा लो बेटा, क्या कहती है, अजी खाना खा लो, इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की, सब्जी परसों की है। और थोड़ी चटपटी सी बोलती है ना, अजी खा ले, इसका मतलब बेचारे ने ताते घड़ी है। और ये भाई साहब आप क्या हो, आंख खराब होती है चश्मा लगता है, और दिमाग खराब होता है तो लोग यहाँ से उतार के यहाँ रखते हैं। कई 80 रुपए किलो, ओहो तारा जी आ गए, चौधरी साहब का जोरदार स्वागत करो, बहुत बढ़िया, सब लोग इकट्ठे होते तो कितना अच्छा लगता है। पर एक बात तो है, अपन कितना भी कमा ले थोड़ी बहुत संवेदना अपने आप साथियों के साथ जो पीछे रह गए उनके लिए भी सोचनी चाहिए ना, कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सचमान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों। और साहब तारा जी जयपुर में अपन रहते हैं, जयपुर में हॉस्पिटलों के अपनी बहुत चक्कर काटे, तो हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया मुझे कि जब हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अस्पताल का अर्थ है जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में ही लिखा होता है आईसीयू, इसका मतलब देखो भर्ती हो जा, आई विल सी यू, ना तेरे गुदड़े बिका दिए तो मेरा नाम बदल देना। और आनंद जी जोरदार हॉस्पिटलों के नाम देखो, धनवंतरी इसका मतलब है धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा,
एक हॉस्पिटल यहाँ है जेक लोन भाई साहब, उसका मतलब है जाकर लोन ले, नहीं तो लोन में पड़ा पड़ा एकदम तोड़ देगा। हाँ भाई साहब, अच्छा हॉस्पिटलों में देखो शानदार, एक नाम है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और यहाँ शास्त्री नगर में एक हॉस्पिटल है कावटिया, तू कब बैठ गया तेरे बाप को पता नहीं चलेगा। तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि अच्छा लगता रहे। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप थोड़े से समय पे आए, हम जल्दी शुरू हो गए थे। एक बार जोरदार ताली में देखो, ये तो होना ही चाहिए। अपन टेंशन लेंगे तो कब तक चलेंगे ये, है ना? पर मैं एक काम कहना चाहता हूँ कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, अरे कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले, थोड़ा सा भूलिए, थोड़ा सा भूलिए। और हम सब क्या करते हैं साहब? तारा जी, हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले, जरा हाथ तो देना। अच्छा आप सोच रहे हो बड़ा ज्ञानवान पुलिस वाला आ गया? बिल्कुल, मैं भी आपकी तरह गांव का एक देसी आदमी हूं जी। हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था पाटा। तुम हंस रहे हो, मेरे घर में हादसा हो गया। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल भैंस के बच्चे मिलती। किस किस को लगता है मेरी शकल भैंस जैसी? हाँ तो चकरो, ओह माय गॉड। तारा जी जिन्होंने करे ना आनंद जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई भाई को पहचान ही लेता है। अच्छा आपने देखा होगा किसी बच्चे की अकल शकल कैसे बनती है दीपक भाई? वो ऐसे बनती है, वो सारे दिन माँ जब उनको अच्छा बच्चा चाहिए इंग्लिश में बेबी कट बाल वाली, वो क्या करती है? केसर खाती है, बादाम, पिस्ते, घिसते घिसते। और तो और ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाएंगी घर के आगे, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की, ऑस्ट्रेलियन बच्चों की, जर्मन शेफर्ड बालकों की। और ऐसी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें लाल लाल बच्चों की देखेंगी तो तारा जी जैसे लाल लाल बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं हुआ भाई साहब, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारी मम्मी गांव की मम्मी देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। चलो एक छोटा सा हंसी का टुकड़ा सुना देता हूँ, जैसे मुझे कई एक लाफ्टर का मुझे जो इसमें किताब मिला था सब टीवी में 2000 कॉमेडियंस को हरा के जीता था, वो सुना देता हूँ। फिर समय की भी एक सीमा, 2 मिनट का ही है। सर बर्फी सबसे पहली बार, आप किस किस ने बर्फी खाई? सबने खाई, सेठ लोग तो खाते हैं। मेरे को सबसे बार पहली बार बर्फी जब मिली थी, जब आनंद जी जैसे और आप जैसे बढ़िया लोग आए थे, मैं जैसे ऐसे लोग आते हैं तो फिर बाप के हाथ मुझे उनके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। मैं लाता पर ध्यान ये रखता ही छोड़ देता, अपना भी नंबर आया। अच्छा कोई मेहमान ऐसे बेसब्रे आ जाते हैं मेरे जैसे, जो गुंडा सिख तरह हाथ चलता उनका, आई हेट देम, मुझे उनसे नफरत है। लेकिन कई मेहमान ऐसे आते हैं अध्यक्ष जैसे, अध्यक्ष क्या होते हैं, ये बर्फी को ऐसे छूते हैं ना बर्फी की चोट लग जाएगी, और बर्फी को ऐसे छूते हैं ना बर्फी की मांग कर रहे हो, जीवती रहो सदा सुहागिन रहो। तो मेरे पापा ने मुझे सर ऑथराइज कर रखा था पाव बर्फी के लिए, मैं लाता आधा किलो। ये अध्यक्षों को इसलिए बताना पड़ता है, ये भी पापा जैसे ही है, ये कुछ मंगाते हैं तो बीच में लोग डांडी जरूर मारते हैं। अब मैं लाता सर पाव बर्फी होता है, लाता आधा किलो। रस्ते में सोचता आज एक तो मेरी मेहनत की बनती है रे, एक ली कब देनी थी तक। फिर मैं सोचता ये जीजी अकेली किससे बात करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव जीजी पेट में, आओ बहन चुगली करें, करवा चौथ की कथा बनाएगी। फिर मैं घर में सर जाता, सबसे छोटी प्लेट लेता, उस स्टील की प्लेट में आप नमकीन डालो, बर्फी बुरफ पी दो तो काम चल जाता है। मेहमान को ले जाके बैठक तक जाता तो रस्ते में देखता 6:30 आधा तो ज्यादा है रे। इंसाफ होगा बराबर होगा, गपदड़ी भी था। फिर मेहमान के सामने रखता, जंगले में खड़ा होकर कड़पता है कहीं सड़ा सारी नहीं खा जाए। लेकिन इसका लास्ट सीन बड़ा गजब का, आधा मिनट का सुनने लायक है। मेरे पापा मेरे को बोले भाई तू नौकरी लग गया, जाके जयपुर में लड़की देखी है प्रताप नगर में। मैं पापा मैं तो आईएएस बनूंगा। पापा इनके जैसा तेरा बाप भी बड़ा नहीं बड़ा, मैं भी जूती मारेगा इससे अच्छा देख के आओ। अब सीन बड़ा गजब का दादा, मैं लड़की देखने गया सामने आप जैसी सुंदर लड़की दाढ़ी वाली हाजी, और बीच में मेज,
और मेज में बर्फिया और जीवन जाए भाड़ में अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं चढ़ता है। जैसे ही मैंने लड़की भी अच्छी नीचे देख रही, मेरे को मौका मिल गया, मैं जैसे ही 5-7 पीस उठा के उठा तो लड़की के सर मच्छर लड़ा, पता नहीं क्या हुआ, गर्दन ऊंची हो गई। अब सीन यू बढ़ गया, इधर बर्फी, इधर उसका मुंह, इधर मेरा ट्राइंगल, लव ट्राइंगल। लड़की भाई साहब ऐसे देखी, पहले दीपिका जैसे मुस्कुराती है ना, और गुस्से में हो तो चंडिका जैसे, यूं देखी मुझे, मैं घबराया। फिर मेरे को देख के, फिर वो सोची तो होपलेस हो रहा है। फिर मेरे को देख के उसने एक इशारा करा जो आपको भी याद रहेगा, मुझे भी। उसने मुझे देखा, पहले तो गुस्से में देखा, फिर मुस्कुरा के एक इशारा करा, बोला चेप दे तू। तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच यार, तो ढंग से ताली बजाओ, पीछे मस्ती इतनी बढ़िया हो गई, इतना सुनाए। हाँ, ये आदमी बहुत मस्ती का आदमी है। अब देखो